ही वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या साध्वीची. भोपाळच्या भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणखी एका नव्या वादात अडकल्या. विरोधकांनी भाजपच्या नेत्यांवर आगोरी शक्तीचा वापर केला आणि त्यामुळे एकापाठोपाठ एक भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा मृत्यू होत आहे असा अजब दावा प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी केलाय. माजी केंद्रीय मंत्री अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना श्रद्धांजली आयोजित करण्याकरता एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, त्यात प्रज्ञासिंह हे बरळले आहेत. प्रज्ञासिंह या साध्वी असल्या तरी आता त्या लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यामुळे त्यांच्या या बेजबाबदार विधानावरती चौफेर टीका होते आहे. जो विपक्ष है वो एक ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है. निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ योग्य और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को संभालते हैं उन पर असर करेगा, उनको हानि पहुंचा सकता है. क्या कर रहा है यार? आप टारगेट हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा और ये होने वाला है. उन महाराज जी की बात को मैंने उतनी भीड़ में चलते चलते जो सुना और भूल गए, परंतु आज जब मैं ये देखती हूँ कि हमारे वास्तव में शीर्ष नेतृत्व कभी सुषमा जी, बाबूलाल जी, फिर जेटली जी और ऐसे क्रमशः जो हमारे नेता पीड़ा सहते सहते और जाते हैं, मन में एक बार आया कि कहीं ये सच तो नहीं. ये आज भी प्रश्नवाचक है, परंतु सच ये है कि हमारे बीच से हमारा नेतृत्व निरंतर जा रहा है, असमय जा रहा है.